सावधान काश्मीर केरल किंबा बंग हो जाए उत्तर प्रदेश प्रथम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर भोट आरंभ होबार किछि घंटा पूर्वरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमिति किछि कहि बीजेपी को भोट देबा जनसाधारण को निवेदन करछन्ती। भोटर दाता माने भूल कले उत्तर प्रदेश काश्मीर केरल किंबा बंग हो जाए परे बोली से कहछन्ती। जिन जिन दंगाइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ट्विटर रे शेयर करथिबा वीडियो बार्तारे उपरोक्त कथा कहिबा सह योगी आदित्यनाथ आहुरी मध्य कहिछन्ती जे बीजेपी को खंडे भोट देबा अर्थ भय शून्य जीवन पई ग्यारंटी पाइबा। 6 मिनिट्र एही वीडियो बार्तारे से कहिछन्ती आपण मानकु मो मनर कथा कहिबी। एही 5 वर्षरे गुड़ाए आश्चर्यजनक घटना घटी जाइछि। सावधान, आपण माने भूल कले एही 5 वर्षर परिश्रम वृथा होइजिव। काश्मीर केरल एवं बंग हेबाकु उत्तर प्रदेश को अधिक समय लागिव नाही। मो 5 वर्षर उद्यम पई आपण मानक भोट आशीर्वाद सदृश। आपण को भोट मध्य आपण को भय शून्य जीवन पई ग्यारंटी हेबो। गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नेबार समय आसी। गत 5 वर्षरे बीजेपी डबल इंजिन सरकार उत्सर्ग एवं प्रतिबद्धतार सह सबु किछि करछि। आपण माने से कथा को प्रांजल भावे देखि छथि ओ सुनि छथि। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी 1 लाख गांवों में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई, ऐसा पहली बात हुआ। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाए कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं यह वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो पिछली सरकारों की तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इस काम को वे 70 सालों में नहीं कर पाए। हमने घर घर करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। मेरे लिए यह भी आपकी वोट पाने का जुगाड़ नहीं था, स्वच्छता से भी अधिक यह मेरे लिए माताओं और बहनों के सम्मान और उनकी गरिमा का प्रश्न था। लाखों घर परिवार छप्पड़ और खपरेल की कच्ची छत से उभर कर पीढ़ियों में पहली बार पक्के मकान में आ गए हैं। उनकी आंखों में चमकती खुशी और आत्मविश्वास ऐसा है कि सैकड़ों चुनावों की जीत की चमक को भी वे फीका करते। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन अब तक धुएं वाले चूल्हे पर काम करती हमारी माताएं और बहनें अब बार बार बीमार पड़ने से बचेंगी, स्वस्थ रहेगी एवं आत्मसम्मान की अनुभूति भी करेगी। आयुष्मान योजना आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों को रोगों से निपटने का सहारा बनी है। आपने देखा कि हम हर घर नल से पानी पहुंचा रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सप्रेसवे बिछा रहे हैं, प्रदेश भर में औद्योगिक कॉरिडोर लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच 2 साल पहले से इस भयंकर कोरोना की वैश्विक महामारी ने आ घेरा है। बड़े से बड़े धनी और उन्नत देश भी विवश दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लगने लगा कि मानो बीमारी से मरे न मरे, भूखमरी से लोग अवश्य मरने लगेंगे। हमने निर्णय लिया कि मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोएगा। हमने करोड़ों परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से यह संकल्प भी अब निभाया जा रहा है। 15 करोड़ परिवारों को राशन की डबल डोज प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के नागरिक स्वस्थ एवं समृद्ध रहे, इसलिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन के संयंत्र युद्ध स्तर पर लगाए गए।
किसी परेशान नहीं किया, यह मेरा कर्तव्य था, इसे पूरी निष्ठा से निभाया। हमने पिछली सभी सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सब साक्षी हैं कि मैंने अपने सभी निर्णय जाति, मत, मजहब, समुदाय, क्षेत्र या जिले के आधार पर पक्षपात किए बिना लिए हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते यह मेरा दायित्व था और रहेगा। 5 साल आपने किसी घोटाले के आरोप नहीं सुने। मैं योगी हूं, मेरे भगवे पर कोई 2 पैसे के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात के लिए भी मैं आपसे अपना वोट नहीं मांगूंगा। तो मुझे शोभा नहीं देता। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश गुंडों, बदमाशों, दंगाइयों, उगाही गिरोहों, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के आतंक से मुक्त है। पलायन कर गए हिंदू अपने घरों को लौट चुके हैं। उनको धमकाने और प्रताड़ित करने वाले या तो जेलों में बंद हैं या फिर सहम कर दुपक गए हैं। पुलिस भी अब बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करती है। कानून और व्यवस्था में हमारी बहन बेटियों का भरोसा लौटा है। अराजकता एक बुरा सपना जैसी बात होके रह गई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में आपका वोट मांगू। अपने निर्दोष नागरिकों को एक भयमुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार की प्राथमिक धर्म है। आप हमें और किसने चुनते हैं? आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जिन दंगाइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।